दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट आ रही है। बिहार में 1,00,000 शिक्षकों की रिक्तियां, अगले महीने आएगा विज्ञापन। पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे। बीएड अभ्यर्थियों पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। फिर दोस्तों देख सकते हैं, अक्टूबर में मिडिल स्कूलों में 52,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बड़ी खबर आ रही है। जी हां, देख सकते हैं, डीएलएड और बीएड सभी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, डीएलएड बीएड छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आपके सामने आ रही है। तो आज हम 13 सितंबर 2023 बड़ी खुशखबरी आपके सामने रखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों, अतुल जी ने क्या बयान जारी किया है, उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से देखेंगे क्या अपडेट आ रही है। ठीक है, पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट, 13 सितंबर 2023 तक की अपडेट। क्यों भैया सीटेट इस बार आंसर की जारी नहीं कर रहा, क्या दिक्कत है? मतलब 20 से भी ज्यादा दिन का समय निकल गया है, पहली बार ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, सीटेट के इतिहास में, बाकी यूपी टेट में, बिहार टेट में ऐसा हुआ होता तो एक बार लगता, ठीक है, लेकिन सीटेट पहली बार इतना ज्यादा लेट लतीफी कर रहा है आंसर की जारी करने में। चलिए कम से कम इनको आंसर की दे देना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि बच्चे अपना ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, फिर फाइनल आंसर की और रिजल्ट आता है। क्या दिक्कत है भैया सीटेट के बाद? पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय की पहले जो बड़ी खुशखबरी है कि 52,000 पद हैं 6 से लेकर 8 तक के लिए, और 50,000 पद हो सकते हैं 9 से लेकर 12 तक के लिए। आपको बता दें क्लास 6 से 8 में, ठीक है, डीएलएड बच्चों को भी मौका मिलेगा और बीएड बच्चों को भी इस वैकेंसी में मौका मिलेगा। बीएड के जो छात्र बाहर हुए हैं मात्र, वो मतलब सिर्फ प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए बाहर है, ठीक है, 1 से 5 क्लास के लिए, लेकिन 6 से 8 में सबको मौका मिलने वाला है। एक बार फिर से तैयारी में लग जाइए। नवंबर में बीपीएससी परीक्षा आयोजित करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खुशखबरी है और समय से पेपर हो रहा है। बीपीएससी भैया आजकल जो कह देता है ना वो कर देता है, ठीक है ना, इसलिए लेट लतीफी आपको नहीं करनी, तुरंत आज से ही तैयारी में लग जाइए, कल का भी इंतजार नहीं करना है। ठीक है, जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उनको भैया बधाई हो, उनके लिए नियुक्ति पत्र आने वाला है। दीपावली से पहले उनको नियुक्ति पत्र मिल सकता है और हो सकता है कि इस बार आपको दीपावली का बोनस भी मिले। ठीक है, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। पहला रिजल्ट 14 सितंबर को आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 12 से 15 घंटे के अंदर पहला रिजल्ट आपके सामने आ सकता है। तैयारी कर लीजिए रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए, कमेंट बॉक्स में हमने लिंक भी दे रखा है। पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो के अंत में बता देंगे कि आप लोग अपना रिजल्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और सवाल, क्या 30 से 40 नंबर पाने वालों को सिलेक्शन होगा? देखिए आपको एक बात बता दी इस वीडियो में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, बीएड वाले नहीं बनेंगे प्राथमिक शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, एक नोटिस आया था केवीएस की तरफ से, यहाँ पर भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड के छात्रों को बाहर किया गया और प्राथमिक में क्या किया गया कि अगर किसी बच्चे ने बीएड और डीएलएड दोनों कोर्स कर रखा है तो वो अपना डीएलएड का सर्टिफिकेट अब उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि बीपीएससी ने कराया था। अब दोस्तों देखिए एक और अपडेट, यहाँ पर मिनिमम आपको 200 पासिंग नंबर तो देखिए लाना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे मेल कैटेगरी हो चाहे फीमेल कैटेगरी हो, मिनिमम पासिंग मार्क आपका 38.40। ठीक है, अगर आपको 238.4 मिनिमम नंबर अगर आप लेकर आते हैं बीपीएससी में, और उसके लिए आपकी दो कैटेगरी होनी चाहिए, एससी या एसटी। अगर दोस्तों आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क है 40.8, ठीक है, 40 नंबर हम कह सकते हैं। उसके बाद जनरल में 48 नंबर, अगर आप इतना पासिंग मार्क ला रहे हैं तो ये देखिए इन सभी आरक्षित वर्ग में तो भैया नौकरी कन्फर्म है। ठीक है, 99.99% कन्फर्म है। सिर्फ दोस्तों ये यूआर कैटेगरी जनरल में दिक्कत आ सकती है क्योंकि इसमें बिहार स्टेट के साथ साथ अदर स्टेट के बच्चे भी फाइट करेंगे। ठीक है, अब एक आपके मन में एक और सवाल होगा कि जो इस बार वैकेंसी आने वाली है इसमें अदर स्टेट के बच्चों को भैया कितनी सीट मिल सकती है? अगर दोस्तों देखिए मोटा मोटा हिसाब लगाइए, 50% या 50,000 सीटें हैं, ठीक है, 5 या 50,000। ठीक है, इसका दोस्तों जो भी 40% होता है वो जनरल कैटेगरी माना जाता है। 20 से 20 काट दीजिए, ठीक है, 5,000 × 4, 5×20,000। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी में 20,000 सीटें हो सकती है। अगर इसमें महिला के लिए फिर से 50% का आरक्षण रखा जाएगा तो 10,000 सीटों पर विभाजन होगा। ठीक है, चलिए पूरी अपडेट हम आपके सामने रखते हैं, पहले क्या अपडेट क्या है, ठीक है, और रिजल्ट की दोस्तों बात भी रखेंगे, क्या फाइनल कट ऑफ जा रही है और कितने नंबर पर आपकी नियुक्ति कंफर्म है, सैलरी कब से बनेगी, क्या मिलेगी, क्या होगा, पूरा प्रोसेस देखेंगे। चलिए देखिए, पहले 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा के लिए शिक्षकों के करीब 1,00,000 पदों पर नियुक्ति के लिए अक्टूबर में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी विज्ञापन निकालेगा। इस बहाली के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा नवंबर में ली जाएगी। मंगलवार को आयोग और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की बैठक में नई शिक्षक नियुक्ति और वर्तमान में चल रही बहाली प्रक्रिया को लेकर विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ।
मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 6 से लेकर 8 तक शिक्षकों के 52,000 पदों पर बहाली का विज्ञापन निकलेगा। वही 9 से लेकर 9, 10 और 11, 12 के शिक्षकों के पद का आकलन वर्तमान नियुक्ति पूरी होने के बाद किया जाएगा। विभाग के पदाधिकारी अनुमान लगाते हैं कि 9 से लेकर 12 और ठीक है में 50,000 पद हो सकते हैं। इस तरह करीब 1,00,000 नए पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकलेगा। आयोग ने विभाग से कहा है कि 6 से लेकर 8 तक का सिलेबस उपलब्ध करा दिया जाए ताकि उसके अनुरूप प्रश्न पत्र तैयार करने की दिशा में काम किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, मतलब इतनी तेजी है कि भैया क्वेश्चन पेपर अभी से बनाने की कोशिश की जा रही है। मालूम हो कि वर्तमान में 1,70,461 पदों पर चल रहे नियुक्ति प्रक्रिया में कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के पदों को शामिल नहीं किया गया है। बैठक में बीपीएससी अतुल प्रसाद, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया श्रीवास्तव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार, आयोग के सचिव रवि भूषण भी मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रख रहे हैं। शिक्षक, जी हाँ, तैयारी कर लीजिए, बड़ी वैकेंसी, नवंबर में पेपर होगा, ठीक है। और बीपीएससी जो कह देता है भैया वो करके दिखा देता है, ये बात आप लोग जानते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो रेड कलर की दिख रही है सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करिए ताकि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, आप भी हमारे चैनल के एक सदस्य बन जाएं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, बीएड अभ्यर्थियों पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। आयोग और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की बैठक में विमर्श हुआ। महाधिवक्ता से राय लेने के बाद निर्णय लिए जाने की बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों, क्या मैटर क्या है, देखिए बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ली गई परीक्षा में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी करने पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी या नहीं, यह जानने के लिए इंतजार करना होगा। आयोग और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की मंगलवार को ही बैठक में इस पर विमर्श हुआ। आयोग द्वारा इस संबंध में शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी गई तो विभागीय पदाधिकारियों ने महाधिवक्ता से राय लेने के बाद निर्णय लिए जाने की मतलब बात कही है। इधर आयोग ने साफ कहा है कि शिक्षा विभाग से इस संबंध में परामर्श प्राप्त करने के बाद ही बीएड के अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर विचार किया जाएगा। हालांकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट कुछ ही दिनों में जारी किए जाने की उम्मीद है। वही बैठक में बिहार बोर्ड के सचिव और परीक्षा नियंत्रक ने भी जानकारी ली गई स्टेट के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट कब तक आने की संभावना, ये सब दोस्तों बातें हैं, ठीक है। तो अक्टूबर में दोस्तों जो बड़ी वैकेंसी आ रही है उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है ना। बीएड अभ्यर्थियों को राहत, ठीक है। तो कहीं पर दोस्तों बोला जा रहा राहत मिल रही, कहीं पर क्या बोला जा रहा है, ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वही 1,00,000 पदों की बात, ठीक है। तो आपको बता दें पदों पर नियुक्ति के लिए पहले चरण का परिणाम इसी माह अंतिम सप्ताह में जारी करेगा। प्राथमिक विद्यालयों में डीएलएड अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया जाएगा। वही ये दोस्तों ये सब बातें हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों नोटिस आप देख सकते हैं जो केवीएस की तरफ से जारी किया गया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, हम आपको बता दें न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें क्या अपडेट मिली थी और न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी कुछ अपडेट्स आती थी, वो भी हम आपके सामने रखते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट वाली जो बातें दोस्तों थी वो कहाँ से सामने आ रही थी वो भी हम आपको दिखाते हैं। रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, देखिए डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा और दोस्तों देख सकते हैं 14 सितंबर को डीएलएड अभ्यर्थियों का आएगा रिजल्ट, ठीक है। यहाँ 14 तारीख की बात लिखी जा रही है, 14 सितंबर को जारी होगा रिजल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 सितंबर रिजल्ट की बात कही जा रही है। चलिए, जो होगा आपके सामने अपडेट आ ही जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग वीडियो में एक बार फिर से लौटते हैं और देखते हैं आज की ताज़ा अपडेट क्या है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों बड़ी खुशखबरी आज हमने आपके सामने रखी। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और आपको बताना है कि भैया चलिए बहुत ही जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो जो भी अपडेट आती है अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। और दोस्तों देख लीजिए आप लोग पहले कि बीपीएससी का जो पहला फेज का रिजल्ट आएगा वो 14 तारीख से शुरू होगा, ठीक है। एक बात और आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो में, जो दोस्तों आपने देख लिया पासिंग मार्क की क्राइटेरिया, चलिए इस पर आ जाते हैं। कट ऑफ को लेकर ज्यादा अच्छे से आप लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी के लिए सीटें आरक्षित की गई है। हो सकता है दोस्तों की उर्दू में कट ऑफ कम जाए, बांग्ला लैंग्वेज में कम जाए, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो 15,947 सीटें हैं इसमें उर्दू और बांग्ला की अलग सीटें हैं। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल में भी ऐसा ही है, ठीक है। इसी में 200 सीटें यहाँ पर उर्दू और बांग्ला के बीच में इंक्लूडेड हैं। तो बाकी ओवरलैपिंग का अगर प्रोसेस सही से अपनाया जाता, देखिए आरक्षण घोटाला नहीं होने देना। इतनी बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, देखिए जब वैकेंसी बड़ी होती तो वहाँ पर लगता है कि 5,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला, आपको पता भी ना चले। 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला, ये वैकेंसी आप देख रहे हैं। तकरीबन 70,000 पदों पर वैकेंसी थी
और इसमें ओबीसी और एससी कैटेगरी के इतने ज्यादा बच्चे पास हुए, उसके बावजूद इस वैकेंसी में 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ और 6,800 पदों पर एक नई चयन सूची जारी की गई। ये 19,000 पदों वाला जो आरक्षण घोटाला है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बीपीएससी से शिक्षकों के भर्ती को पद वेतनमान मंजूर जो किया गया, एक बात आपको और बता दें, यहाँ पर दोस्तों जो हमें सैलरी मिलेगी तकरीबन 40,000 से ज्यादा सैलरी है। इम्पोर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर पता है क्या, जो आपको ये अपडेट दिखा रहे हैं, देखिए बीच बीच में अपडेट ये आ रही है कि 75% सीटों पर ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, 25% सीटों को होल्ड किया जा सकता है बीएड कैंडिडेट्स के लिए। हम आपसे एक बात कर रहे हैं, देखिए दोस्तों अगर बीपीएससी चाहे, ठीक है चाहे कहीं जानबूझ कर नहीं चाहते हैं, कभी कभी बच्चों को मूर्ख बनाया जाता है ताकि सबको सैलरी ना देना पड़े, ठीक है ना। देखिए एक काम ये कर सकते हैं, 100% ठीक है सीटों पर रिजल्ट जारी करें चाहे डीएलएड के बच्चों के लिए, या तो ये करिए 75% डीएलएड छात्रों के लिए रिजल्ट जारी कर दीजिए, 25% बीएड के लिए, और उसमें दोस्तों लिख दीजिए कि भैया ये वैकेंसी कोर्ट के अधीन है। कोर्ट के अधीन होने का मतलब ये होता है, सिंपल सी बात समझ लीजिए, कि अगर कल को डीएलएड के बच्चे जीते तो डीएलएड के बच्चों को या बीएड के बच्चों को हटाकर डीएलएड के बच्चों को नौकरी दी जाए, लेकिन कम से कम बीएड के बच्चे अगर 6 महीने भी नौकरी कर लेते हैं 6 मंथ, या डीएलएड के बच्चे ही जिनको भी नौकरी देते हैं, कम से कम उनका जो डीएलएड या बीएड में फीस लगी हुई कॉलेज की, उतना तो उनका पैसा निकल जाएगा ना। तो क्या मतलब है नौकरी फंसाने का, क्या मतलब है इंतजार करने का, नियुक्ति पत्र मिले सबको एक साथ मिले, भले 6 महीने की नौकरी हो लेकिन नौकरी तो होगी ना। केंद्रीय नौकरियों के लिए अब होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगले साल ग्रेजुएट स्तर पर होगी परीक्षा, 117 जिलों में होंगे सेंटर। जी हाँ दोस्तों, दिन प्रतिदिन नए नए भैया एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है जितना जल्दी आप लोग नौकरी पा जाएंगे उतना ही बेहतर है, आने वाला समय इतने एग्जाम अलग अलग तरह के एग्जाम आप लोग थक जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो के अंत में आते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पर ट्विटर पर आते हैं, ठीक है देखते हैं dlrizult.com दोस्तों, यहाँ से आप लोग अपना रिजल्ट सबसे पहले डाउनलोड कर पाते हैं, ठीक है तो इसको देखेंगे अभी हम लोग, और यहाँ पर देख सकते हैं अतुल प्रसाद जी का जो भी, ठीक है ना, ट्वीट आ रहा था यहाँ पर क्या है उसको देखेंगे। एक सेकंड पहले इंटरनेट को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, तो इंटरनेट हमारा कनेक्ट हो रहा है तो डिसकनेक्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों इस पेज को हम लोग रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार कि क्या अपडेट यहाँ पर मिल रही है। अब ट्विटर दोस्तों आपका एक्स हो गया, आपको पता है नहीं, जी हाँ दोस्त देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 10 सितंबर तक की अपडेट है, लास्ट ट्वीट इनका 10 सितंबर को आया था, आज 13 तारीख हो रही, तो आज दिन में एक ट्वीट आने की पूरी संभावना बन रही है। जैसे दोस्त ये ट्विटर पर कोई अपडेट देते तुरंत अपडेट हम आप तक पहुँचाएँ, ठीक है ना। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, देखिए जो भी देखते हैं लाइक कर देते हैं, ठीक है चलिए बाद में जो भी अपडेट आएगी देखेंगे। dlrizult.com देखिए वेबसाइट हम आपके सामने रख देते हैं, इस वेबसाइट के माध्यम से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्च क्या करना है, www.dlrizult.com, ठीक है कुछ भी सर्च करेंगे मिल जाएगा, dlrizult ही लिख दीजिएगा। यहाँ पर बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर हमें क्लिक करना है। बीपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट, क्या क्या दोस्तों डॉक्यूमेंट जरूरी आप देख सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग, आरक्षण प्रमाण पत्र, निवास, विकलांगता, भूतपूर्व, नियोजित शिक्षक दस्तावेज, सीटेट या स्टेट पेपर वन प्रमाण पत्र, बिहार स्टेट पेपर वन प्रमाण पत्र, पेपर टू योग्यता दस्तावेज प्रमाण पत्र, कुछ चीज़ें लिखी उसको ध्यान रखिएगा। फिलहाल पीआरटी के जो रिजल्ट है यहाँ से हम डाउनलोड करवाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए हमारे जो फाइनल कट ऑफ यहाँ पर सामने शो हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों 22 से 25 सितंबर हर जगह आप डीएलएड का रिजल्ट जो भी अपडेट आती है यहाँ पर आप देख पाते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, सीटेट की वेबसाइट को भी एक बार हम लोग भैया रिफ्रेश मार लें, देख सकते हैं सीटेट से भी कुछ भी अपडेट नहीं मिल रही। चलिए फिर मिलते हैं।